अगर आपने पहाड़गंज जाके बांके बिहारी समोसे वालों के समोसे नहीं खाए तो आपने समोसे अभी खाए ही नहीं है फ्रेंड्स। जरूर खाइए यहाँ के समोसे। सारे बैचेस यहाँ पे रेडी हो रखे हैं फ्राई होने के लिए। समोसे के बैचेस आते जा रहे हैं, कढ़ाई में जाते जा रहे हैं। बहुत साल हो गए जी, जो बचपन से लेके अब तक खा रहे हैं। फ्रेंड्स अभी हम आ पहुँचे हैं कहाँ, कुछ देख के अंदाज़ा लग रहा है, बांके बिहारी समोसे वालों के यहाँ पे, जिनका ओरिजिनल नाम है सोनी स्वीट्स। अभी हम यहाँ पे समोसे खाने तो नहीं आए हैं, मॉर्निंग का टाइम है तो हम यहाँ पे ब्रेकफास्ट करने आए हैं। ब्रेकफास्ट में हम लेने वाले हैं कचौड़ी। चलिए हम थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड बताते हैं। इस शॉप का नाम पहले सोनी स्वीट्स हुआ करता था, क्योंकि यहाँ पे स्वीट्स मिला करती है और ये जो शॉप है 96 से यहाँ से एग्जिस्ट करती है। लेकिन बांके बिहारी जी का मंदिर पास में होने की वजह से और काफ़ी पुरानी शॉप होने की वजह से इस शॉप का नाम बांके बिहारी समोसे वाले पड़ गया। चलिए आइए एक प्लेट कचौड़ी लेते हैं। फ्रेंड्स एक पीस कचौड़ी का जो प्राइस रहता है वो 15 रुपये, और जबकि समोसे का जो प्राइस है वो 17 है। समोसा हम इवनिंग में कवर करेंगे, कचौड़ी के लिए आपको अर्ली मॉर्निंग तक आना रहता है। 12-12:30 तक आपको कचौड़ी मिल जाती है अगर आपका लक अच्छा है। और कई बार यहाँ पे तो पहाड़गंज है भाई, कचौड़ी ना मिलने को हो तो 11 बजे भी ख़त्म हो जाती है। समोसे जो है यहाँ पे 4 बजे से लेके शाम को लेट इवनिंग तक मिल जाते हैं, 8 बजे के आसपास तक, वो भी डिपेंड करता है आपके लक पे। और जो गुलाब जामुन है यहाँ पे वो आपको मॉर्निंग अर्ली मॉर्निंग से लेके लेट इवनिंग तक मिल जाता है। यहाँ पर समोसे कचौड़ी वगैरह की, गुलाब जामुन वगैरह की है। बाकी कचौड़ी का टाइम जो होता है सुबह 8 बजे से लेके 1 बजे तक, 1 बजे से लेके 8 बजे तक समोसे होते हैं। कितने से स्टार्ट किया था ये आपने कचौड़ी का प्राइस जो है? कचौड़ी का प्राइस तो समझ लो हमारे बड़ों ने 3 रुपये से शुरू किया था, 3 रुपये का एक पीस। नहीं मैंने 2.5-5 के दो भी खाए हैं। हाँ तो मेरे को तो याद नहीं है, 5 के दो खाए होंगे तो 1 रुपये के 16 आते थे पहले। बिल्कुल। तो फ्रेंड्स काफ़ी पुरानी शॉप है और 65 साल हो गए हैं इस शॉप को, 96 से ये शॉप यहाँ पे एग्जिस्ट करती है। आप कौन सी जनरेशन है यहाँ पे, आपके मतलब फादर या फोर फादर, दादाजी ने स्टार्ट किया था? तीसरे पे हूँ, तीसरी जनरेशन है, मेरा बेटा भी आता है दुकान पे। ओके फ्रेंड्स, वही 4 जनरेशन हो चुकी है, चौथी शुरू हो चुकी है। फ्रेंड्स 4th जनरेशन यहाँ पे बैठना स्टार्ट कर चुकी है। फोर फादर जैसे हम कह सकते हैं, ग्रैंड फादर के फादर ने यहाँ पे जो है काम स्टार्ट किया था। तो यहाँ पे सबसे पहले शॉप से स्टार्ट किया था या खुमचे वगैरह से? पहले हमारे दादा ये पाकिस्तान से आए थे, पहले उन्होंने रेडी भी लगाई थी। ओके तो उसके बाद ये स्टार्टिंग आ गया। बिल्कुल ठीक है। उन्होंने शक्ल किया है मैडम, हमने तो कोई शक्ल की नहीं। बिल्कुल हम तो रेडी गुड्स पे बैठे हुए हैं। तो फ्रेंड्स जो पाकिस्तान से आने के बाद यहाँ पे खुमचों पर लेके इसकी भी शुरुआत जो है, जैसे कि पहाड़गंज का मैक्सिमम इतिहास यही है, कचौड़ी का ले लीजिए, भटूरों का ले लीजिए, किसी चीज़ का भी ले लीजिए, खुमचों पे ही पहले बिका करते थे, उसके बाद शॉप्स डेवलप हुई हैं। तो चलिए अब हम एक प्लेट कचौड़ी लेते हैं। भैया एक प्लेट कचौड़ी लेते हैं। फ्रेंड्स कचौड़ी गर्मा गर्म आ चुकी है, ये देखिए साथ में आलू की सब्जी है और साथ में हरी चटनी है जो कि इसका टेस्ट और बेहतरीन बना देती है। बहुत बढ़िया फ्रेंड्स, नमकीन के बाद मीठा ना बने ये क्या बात हुई। अब कचौड़ी के बाद गुलाब जामुन भी तो है, इससे भी तो टेस्ट करना बनता है ना। तो चलिए अब हम लेते हैं गुलाब जामुन। बढ़िया टेस्ट है, आप ये भी ट्राई यहाँ पे ज़रूर करिए। फ्रेंड्स अगर आप पहाड़गंज के बाहर से आ रहे हैं तो आप आर के आश्रम मेट्रो स्टेशन का ऑप्शन भी पिक कर सकते हैं, और नई दिल्ली का भी। आर के आश्रम से अगर आप लेते हैं रिक्शा ले लीजिए वहाँ से, और उसे बोलिए बांके बिहारी मंदिर के पास समोसे वालों के पास छोड़ दें, तो वो आपको यहीं पर ड्रॉप कर देगा। और अगर आप नई दिल्ली की तरफ से आ रहे हैं तो नई दिल्ली गेट नंबर 3 पर उतरिए, और वहाँ से आपको ई रिक्शा ईजिली अवेलेबल मिल जाएंगे, 10 रुपये लेते हैं। और वहाँ से आप सीधा आगे बढ़ेंगे जैसे ही, तो आप उसे बोल दीजिए संगत आश्रम चौक के लिए जाना है, वो आपको इस गली के बाहर छोड़ेगा। थोड़ा सा आप आगे बढ़ेंगे तो आप आ पहुँचेंगे बांके बिहारी शॉप पे।
फ्रेंड्स, ये बात तो हुई ब्रेकफास्ट की। इसमें हमने कचौड़ी और साथ ही साथ गुलाब जामुन ट्राई किया है। अब जो समोसा है उसे कैसे बाय बाय बोल के चले जाएं, इसके लिए हम आएंगे यहाँ पे शाम को और शाम में इसका जायके का अनुभव करेंगे। फ्रेंड्स, शाम का समय हो चुका है और अब हम दोबारा आ चुके हैं बांके बिहारी समोसे वालों के यहाँ पे समोसे का जायका लेने। आइए चलें। सबसे पहले डो से बॉल बनाई जा रही है और बॉल बना के इसको आगे भेज दिया गया। अब आगे आने के बाद इसको बेलना स्टार्ट किया गया। इसको बेलते बेलते जैसे ये एक बड़ा साइज का रोटी की शेप में बिल जाएगा तो इसको काट के दो पार्ट में कर दिया गया ताकि ये समोसे की शेप ले ले आगे। फ्रेंड्स, अभी आया हाफ पार्ट, इस पर लगा पानी और पानी के बाद देखिए कीप की शेप में दिया गया और ये गई इसके अंदर फिलिंग और ये ऊपर से उसे बंद कर दिया गया और ये आग बंद समोसे का प्रिपरेशन हो गया। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कितने सारे बैचेस यहाँ पे रेडी हो रखे हैं फ्राई होने के लिए। फ्रेंड्स, अभी हमने देखी बांके बिहारी समोसे वालों की समोसा कैसे प्रिपरेशन होता है उसका बेसिक। यहाँ पे डेली के 2200 से 2500 समोसा फ्राई होके बिक जाते हैं और जो कचौड़ी रहती है वो 800 से 1000 के बीच में बिकती है। चलिए अब हम देखते हैं कढ़ाई में कैसे जाके क्या से टेक्सचर निकल के आता है समोसे का। आइए, समोसे के बैचेस आते जा रहे हैं, कढ़ाई में जाते जा रहे हैं। ये कितने समोसे होंगे एक साथ? 60-70। फ्रेंड्स, ये 60-70 समोसा गए कढ़ाई में और इसका जो फ्लेम है कम कर दिया गया है थोड़ा सा ताकि पूरे समोसे जा सके। मतलब 60-70 एक बार में गए और ये दूसरी पे भी जाने को तैयार है तो लगभग 100-120 समोसा एक बार में कढ़ाई से निकल के एकदम यम यम कैसे बाहर आने वाला है आप सोचिए। देखिए फ्रेंड्स, पूरी कढ़ाई जो है समोसों से भरती जा रही है और मेरा तो बस वेट करने का बिल्कुल मन नहीं हो रहा। मेरा मन हो रहा है बस फटाफट से समोसे हमारी प्लेट में लग के आ जाए। पूरी कढ़ाई भरी हुई समोसों से या से एक बार में 125 से 150 समोसा कढ़ाई से बाहर आ रहा है जिसका प्रिपरेशन टाइम जो रहता है 15 मिनट रहता है। ये उठे समोसे और चल दिए परात की और देखने को तैयार। भैया एक समोसा, फिर चलिए अब हम इसको टेस्ट करते हैं। ये हमारा समोसा आ चुका है। फ्रेंड्स, देखिए ये छोलों के और साथ में आलू मिक्स करके सब्जी है। इसमें दो तरह की चटनी भी होती है, हरी चटनी और मीठी चटनी जिसे सॉल्ट भी बोलते हैं हम लोग। और जैसे मैंने आपको मॉर्निंग में बताया था यहाँ पे प्योर सात्विक रहता है खाना बिना प्याज लहसुन के होता है। आइए अब समोसा थोड़ा खोल के देखते हैं इसमें क्या है। इसमें आलू की स्टफिंग है और बहुत ज़्यादा स्टफिंग है। चलिए देखते हैं इसका टेस्ट कैसा है। वाओ, जस्ट वाओ, बहुत अच्छी अच्छा टेस्ट है इसका। मुझे बस मन हो रहा है कि मैं 2-4 समोसे चट कर रहा हूँ। अगर आपने पहाड़गंज जाके बांके बिहारी समोसे वालों के समोसे नहीं खाए तो आपने समोसे अभी खाए ही नहीं है। फ्रेंड्स, जरूर खाइए यहाँ के समोसे। फ्रेंड्स, ये जो आप देख रहे हैं ना छोले, ये आपको पहाड़गंज में ही मिलते हैं मैक्सिमम। बाहर अगर आप पहाड़गंज के जाएँ तो वहाँ पर मैक्सिमम आपको चटनियाँ ही दी जाती हैं। और मैं एक चीज़ और बताऊँ फ्रेंड्स, जब हम छोटे थे ना तो हम क्या करते थे, ब्रेड लेते थे दो और एक ब्रेड पीस लिया, उसके ऊपर समोसा रखा, थोड़े से छोले लगाए और ऊपर से स्टफ किया दोबारा ब्रेड के साथ
और फिर बाइट कर देते, तो समोसे का जो और मतलब मज़ा आता था और पूरा पेट भरने वाला जो सिस्टम रहता है, तो बहुत ही बढ़िया एक्सपीरियंस है, आप इसे भी ट्राई कर सकते हैं। सर आपका नाम क्या है जी? मेरा सतीश कुमार, बाकी बिहारी। बिल्कुल ठीक है, आप कैसे लगते हैं? बढ़िया, बहुत साल हो गए जी, जो बचपन से लेके अब तक खा रहे हैं। बिल्कुल सही है। और क्या, तो आप पैक करवा के लेके जा रहे हैं? और जा रहे हैं दुकान पे। सही है, बहुत बढ़िया, ठीक है अंकल, थैंक यू। खाने वालों की ही नहीं, पैक करवा के लेके जाने, समोसे लेके जाने वालों की भी काफ़ी भीड़ रहती है यहाँ पे। और अगर मैं बात करूँ सिर्फ समोसों की, तो समोसे जो है पूरे ऑल ओवर इंडिया बिकते हैं, जो कि बिलियंस डॉलर का बिजनेस करते हैं साल। चलिए अब चलते हैं आगे।